नमस्कार, मैं प्रिय रंजन और आज के इस एपिसोड में हम डिस्कस करने वाले हैं अदानी समूह के एक स्टॉक अदानी विलमार के बारे में, जिसने काफी अंडर परफॉर्म करा है, लोगों को परेशान करा है और बहुत सारे लोग इस स्टॉक में हायर प्राइस पे खुद को फंसे महसूस कर रहे हैं। सबसे बड़ी क्वेश्चन है कि कब इस स्टॉक में बड़ा रिवर्सल दिखेगा, क्या ये एक बेस्ट बाइंग जोन है या फिर अपने को करना चाहिए वेट। सभी पॉइंट्स को डिस्कस करें इससे पहले प्रीमियम टेलीग्राम जो कि बिल्कुल फ्री है उसको ज्वाइन करें और डिस्क्रिप्शन के लिंक से चाहे तो अकाउंट ओपन कर लें, जिससे आपको एक्टिव ट्रेडिंग कम्युनिटी और लर्निंग ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। इस समय देखेंगे तो अडानी को लेकर के मल्टीपल न्यूज ट्रेंड होते दिख रही है। उन सभी न्यूज में मैं आपको दिखाऊं तो शायद जितने भी हमारे रेगुलर व्यूअर्स हैं उनको हमने कहा था कि अगर अडानी समूह के किसी स्टॉक में आपने बाइंग करना ही है तो पहला जो बेस्ट स्टॉक मुझे लगता है वो लगता है अडानी इंटर, दूसरा स्टॉक है अडानी पावर और तीसरा स्टॉक हमने आपसे कहा अडानी पोर्ट। और ये तीनों स्टॉक कंपेरेटिवली अदर्स स्टॉक जो कि अडानी के से ही बिलोंग करते हैं उसको आउट परफॉर्म करा है। और ये कुछ ऐसे स्टॉक हैं जिसमें अडानी ने खुद भी स्टेक बढ़ा है और एफआई की भी स्टेक बढ़ते हुए दिखी है। रिसेंट में कुछ निगेटिव न्यूज ट्रेंड हो रही है जहां गल्फ के तरफ से निवेश को लेकर के क्वेश्चन लगाया गया। इसके पहले जो कल की सुप्रीम कोर्ट की फैसला होना था वो 20 अक्टूबर को रख दिया गया है। इसके साथ ही जो एलिगेशन मैनिपुलेशन को लेकर के काफी अभी भी न्यूज ट्रेंड हो रहा है, लेकिन ये न्यूज अब तक प्रूवन नहीं हुए इसीलिए उसको ज्यादा हम डिस्कस नहीं करेंगे। क्वार्टरली नंबर्स भी स्टॉक के काफी वीक रहे। एडेबल ऑयल का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन लगभग 1-2% है और इस मार्जिन से स्टॉक बेटर नहीं कर सकता है। यहाँ रिसेंट में Q2 FY24 के जो अपडेट्स आए उसमें सबसे बड़ी और अच्छी बात ये रही, द फूड एंड एफएमसीजी बिजनेस कंटिन्यू टू ग्रो रैपिडली विद द सेगमेंट रेवेन्यू अराउंड 25% ईयर ऑन ईयर विद एन अंडरलाइंग वॉल्यूम ग्रोथ 18%। वॉल्यूम ग्रोथ थोड़ा डिक्लाइन हुआ है लेकिन ये जो फूड और एफएमसीजी बिजनेस कंटिन्यू रैपिडली ग्रोथ दिख रहा है ये वन ऑफ द मेन कारण बन सकते हैं इस स्टॉक के मल्टीबैगर रिटर्न बनने को लेकर के। यहाँ एक बड़ा बैड न्यूज ट्रेंड हुआ, हालांकि वो न्यूज बेसलेस थी, उसको जो अडानी के द्वारा जो है नकारा गया 44% स्टेक को सेल करके, लेकिन इसने बड़े पैनिक सेलिंग कराए थे जिससे अभी तक स्टॉक उभर नहीं पाया है। यही सब कॉमन न्यूज दिख रहा है। टेक्निकली स्टॉक अंडर परफॉर्म है, लिस्टिंग के बाद स्टॉक ने 220 के प्राइस से लगभग 900 के लेवल्स तक भी टच करे थे लेकिन उसके बाद कंटिन्यूस अंडर परफॉर्म रहा। डिलीवरी हालांकि कंटिन्यूस बेटर दिख रही है, डिलीवरी जो है वो आउट परफॉर्मिंग है, टेक्निकल ट्रेंड्स वीक हैं और इस समय इस स्टॉक में देखेंगे तो ये जो Q2 के अपडेट्स रहे थे उसके बाद ही स्टॉक ने 364 का हाई बनाया जो कि मंथली हाई भी है और इस समय देखेंगे तो स्टॉक के जो लो रहे थे वही प्राइस लो भी रहा था। लो और हाई मतलब क्या कि यहां से कंटिन्यूस गिरा, स्टॉक में एक रिवर्सल दिखी और उसके बाद गिर रहा है। और गिर रहा है मतलब क्या, इसको थोड़ा मैं इस प्रकार से समझाऊं, कंटिन्यूस गिर रहा था, यहां से स्टॉक ने ट्रेंड दिया और इस समय इसी बीच में टेर रहा है। तो ये हाई और लो मंथली जो है 364 से 322 है और जब तक इस रेंज को अपर साइड जाना है तो 364 को ब्रेकआउट करे और लोअर साइड जाना है तो 332 को ब्रेकडाउन करे। इस ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन के बाद ही बड़ा ट्रेंड दिखेगा तो इसीलिए हमने कहा कि इस लेवल को ब्रेकआउट होने दें एक बड़े टारगेट के लिए। लोअर साइड मैक्सिमम जो है 280-300 तक के लेवल्स भी लेंगे, जो ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं वो बने रहें, 360 ऊपर के ही जो पोटेंशियल मोमेंटम ट्रेडर हैं वो कैप्चर करने की कोशिश करेंगे और एक बार स्टॉक 360 के लेवल को ब्रेकआउट करे तो यहां से 420 से लेकर के 500 प्लस तक के लेवल्स भी नेक्स्ट 1 मंथ टू 3 मंथ के ड्यूरेशन में एक्सपेक्ट किया जा सकता है, लेकिन कब, जब ये 360 के ऊपर की क्लोजिंग दे।